योगा जो है वो फॉरेन कंट्री में फॉलो करा जाता है, और ये ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा पार्ट है कि हमारे भारत से योगा बाहर गया, लोग इतने इंस्पायर हो रहे हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है वो फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 से रिलेटेड है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है योगा। सो गाइज, ये जितनी भी वीडियो हैं ये न्यू सेशन के अकॉर्डिंग है। जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ प्रीवियस चैप्टर की अपलोड कर दी हैं, आप उसको भी देख लो ताकि आपको आगे की वीडियोज़ में प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मैं जैसी कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो आज हम बात करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा। तो गाइज, आज हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इस चैप्टर में से बनते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें एग्जाम में से डेफिनेटली पूछा जाता है। ये चैप्टर सिर्फ क्लास 11th में नहीं बल्कि कि क्लास 12th में भी पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, यानी कि योगा क्या है और क्या क्या उसके इम्पॉर्टेंस हैं, क्यों हमें योगा करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अष्टंग योगा, हम अष्टंग योगा के बारे में समझेंगे। आगे दे रखा है योजिक क्रियाज, योजिक क्रियाज क्या होती हैं, कितनी होती हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। अगला टॉपिक है प्राणायाम एंड इट्स टाइप, ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक है, चाहे वो टीनेजर हो चाहे वो अडल्ट हो, उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो किस तरीके से योगा उनकी हेल्प करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ 2, 3, 4 एंड 5 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस चैप्टर को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ योगा। ऐसा कहा जाता है कि योगा जो है वो ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में, और ये भी कहा जाता है कि जब हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष मिले, यानी कि आज से 5000 साल पहले ही योगा की शुरुआत हो गई थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऋषि मुनि योगा करते थे, राइट? आपने महाभारत रामायण उपनिषद में भी पढ़ा होगा कि योगा एग्जिस्ट करता था, तो आप सोच सकते कि योगा कितना पुराना है। आगे दे रखा है कि पतंजलि ने भी योगा के बारे में लिखा है 147 BCE में। उसी के साथ साथ ये बता रखा है कि योगा बहुत ही ज़्यादा पुराना है। योगा जो है वो लोगों को मेंटली और फिजिकली फिट करता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एग्जैक्टली योगा होता क्या है। सो गाइज, अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ योगा। योगा इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज, विच मीन्स टू यूनाइट और टू ज्वाइन। सो बेसिकली योगा जो है वो एक संस्कृत वर्ड से निकला है जो कि है युज, और युज का मतलब होता है यूनाइट और ज्वाइन। सो बेसिकली योगा में क्या होता है ना, अपनी आत्मा का मिलन जो है वो परमात्मा के साथ होता है। ऐसा करने से होता क्या है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, हमारे काम करने की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, हम बहुत तेज़ी से काम कर पाते हैं, सही तरीके से कर पाते हैं, हम मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अगर किसी इंसान को बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाती है, उसकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी आती है, ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ही अच्छा रहता है। सो बेसिकली हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करता है योगा। सो यहाँ पर दे रखा है कि योगा जो है वो एक वर्ड से निकला है जो कि है युज, और इसका मतलब होता है यूनाइट और ज्वाइन, और यूनाइट किससे कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा का मिलन हम परमात्मा से करा रहे हैं। आगे दे रखा है योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। सो नीचे डेफिनेशन दे रखी है कि योगा जो है उसमें हम यूनिफिकेशन करवाते हैं। सो बेसिकली अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा की आत्मा के साथ होता है, और मैंने आपको बताया कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सो गाइज, अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, कि योगा से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सो सबसे पहले है फिजिकल प्योरिटी। सो योगा जो है वो हमें फिजिकली प्योर कर देता है। हमने 6 एक्सरसाइजेस करनी है जिसको हम षटकर्मा के नाम से जानते हैं, और हमारी जो बॉडी है वो फिजिकली प्योर हो जाती है, हमें काफ़ी फ्रेश लगने लग जाता है और हेल्दी भी लगता है। आगे दे रखा है फ्लेक्सिबिलिटी इन बॉडी। आपने रामदेव बाबा को देखा होगा कि वो योगा करते हैं, उनकी बॉडी कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। सो फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है, हम किसी भी काम को काफ़ी एफिशिएंटली और ग्रेसफुली कर पाते हैं, काफ़ी
आराम से वो काम हो जाता है और हम बोल सकते हैं कि बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। आगे दे रखा है इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। सो बेसिकली योगा करने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हमारा स्टैमिना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा टॉलरेंस लेवल बढ़ता है और काम करने की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। सिर्फ योगा बीमारियों को ठीक नहीं करता बल्कि कि उससे बचाता भी है। इनफैक्ट अगर किसी को बीमारी हो गई है तो उसके ठीक भी हो सकते हैं योगा से। सो यहाँ पर दे रखा है कि वो हमारी इम्यूनिटी लेवल को, यानी कि जो हमारी बॉडी में एक सेफगार्ड बैठा हुआ है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। और आगे दे रखा है स्ट्रेंथन इंटरनल ऑर्गन, जो हमारी बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। उसी के साथ साथ जो ऑर्गन हैं वो फिट रहते हैं और प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है रिड्यूस मेंटल टेंशन। अगर हम योगा कर रहे हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, हमारी जितना भी मेंटल टेंशन है वो कम हो जाती है। सो योगा जो है वो हमारी मेंटल टेंशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आप सभी जने जानते हैं कि जो बच्चे एडल्ट हैं या जो टीनेजर्स हैं उन सब पे स्ट्रेस होता है। अगर मैं टीनेजर्स की बात करूँ तो उनके ऊपर एग्जाम का स्ट्रेस होगा या फैमिली का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। और एडल्ट की बात करूँ तो उन पर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली की टेंशन होती है। तो योगा करने से वो सारी टेंशन जो है ना वो कंट्रोल में आ जाती हैं। आगे दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन। अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ कि योगा करने से हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, हम चीज़ों को और खुल के और अच्छे तरीके से देख पाते हैं। जो पहलू हम पहले एनालाइज नहीं कर पा रहे थे अब हम उसको देख पाते हैं। तो योगा जो है ना वो हमारे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है और हम काफ़ी सारी चीज़ों में डिटेलिंग देख पाते। आगे दे रखा है कंट्रोल ऑन माइंड एंड इमोशंस। सो योगा से ना जो हमारा माइंड है, हमारे इमोशंस हैं, वो कंट्रोल में रहते हैं। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो स्पोर्ट्स में इमोशन का कंट्रोल में रहना कितना ज़रूरी है। सपोज़ करो कोई एक प्लेयर हॉकी खेल रहा है और हॉकी की बॉल दूसरे प्लेयर को लग जाती है, तो उसको एकदम से एग्रेसिव नहीं होना है, उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब वो योगा करता होगा या एक्सरसाइज करता होगा, ताकि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सके और ऐसी सिचुएशन में काफ़ी ढंग से रिस्पॉन्स कर सके। सो नेक्स्ट दे रखा है कंट्रोल ऑन माइंड एंड इमोशंस। तो बेसिकली इसमें ये बता रखा है कि योगा करने से आपका जो माइंड है, आपके जो इमोशंस है, उस पर कंट्रोल रहता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक प्लेयर है जो कि हॉकी खेल रहा था और हॉकी की बॉल उससे किसी दूसरे प्लेयर के लग जाती है। सो जिस प्लेयर के हॉकी की बॉल लगी है उसको एग्रेसिव नहीं होना है, गुस्से में नहीं आना है और ना ही अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ करना है, ना ही हाथ पैर चलाने हैं। ये तभी हो सकता है जब वो योगा करता हो। सो योगा करने से ना जो आपके इमोशंस हैं, जो एकदम से रैंडम एक चीज़ निकल के आती है, वो चीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाती है। आगे दे रखा है रिड्यूस स्ट्रेस। आपका जितना भी स्ट्रेस है, आपको जितनी भी टेंशन है, वो सब क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी अगर आप योगा करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट दे रखा है इंटरनल पीस। आपको ना अंदर से ही एक शांति मिलेगी कि हाँ मैंने इतना सोचना नहीं है, जितनी भी टेंशन है वो अपने आप ही रिजॉल्व होंगी। इनफैक्ट अगर आप योगा करते हैं तो आपको मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेंगे उन प्रॉब्लम्स का, कि किस तरीके से आप मल्टीपल वे में ऐसी प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है इंटरनल पीस। सो योगा से ना एक अंदर से शांति मिलती है कि हाँ ठीक है, जितना भी स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगा। इनफैक्ट योगा करने से आपको उस प्रॉब्लम के इतने सारे सॉल्यूशन मिलेंगे कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आपका इंटरनल पीस बरकरार रहेगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या है इंपॉर्टेंस योगा, कि आपको फिजिकली प्योर करती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देती है, आपको स्ट्रेंथ देती है, उसी के साथ साथ आपको बीमारी लगने से बचाती है, उनको प्रिवेंट करती है, क्योर करती है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देती है, आपका आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ा देती है, माइंड और इमोशंस पे कंट्रोल रखती है, स्ट्रेस को कंट्रोल करती है एंड आपको इंटरनल पीस देती है, आपको शांति मिलती है योगा करने से। आजकल जितने भी यूथ हैं वो सब इंक्लाइन हो रहे हैं योगा की तरफ। इनफैक्ट योगा जो है वो फॉरेन कंट्री में फॉलो करा जाता है और ये ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा पार्ट है कि हमारे भारत से योगा बाहर गया, लोग इतने इंस्पायर हो रहे हैं और योगा को फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ को हेल्दी और बेटर बनाने के लिए।